और रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से उन दो वरदानों में अपने बेटे भरत के लिए राज और भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जब इतने शब्द राजा दशरथ ने सुने, आंखों से नीर बहने लगे हैं और रानी कैकेयी को जवाब देने लगे हैं, चाचा जी कैसे? और गया है फिल्मी दुनिया वालों ने कैसे? वालों की बात है, लेकिन लिखा है मैंने, देखिए बड़े बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, अच्छे अच्छे लेखक हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हैं और स्वयं में हिंदी के व्याख्याता आदरणीय गुरुदेव श्री गोविंद सिंह जी, वो भी निवास जी यहां बैठे हुए हैं। तो मैंने कोशिश की है और गौर करके हर लाइन पर राजा दशरथ उठाने के जवाब देने लगे। वरदान में वर कैसा मांग लिया, वरदान में वर कैसा मांग लिया, वरदान में वर के समांग लिया।
रानी केके को कहने लगे हैं कि रानी तुमने ये वरदान नहीं मांगे हैं, इन वरदानों में मेरी जान तूने मांग ली है, क्योंकि मैं राम के बिना रह नहीं सकता। और आगे बताया क्या है मास्टर जी? अपने सुतों में कैसा भेद किया रानी है, अपने समझाने लगे हैं कि रानी माता पिता के लिए चाहे कितनी भी संतानें हो, उन सभी संतानों के प्रति माता पिता का बराबर प्रेम हुआ करता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक पुत्र से ज्यादा और किसी दूसरे पुत्र से कम प्रेम हो, लेकिन तुमने अपने ही पुत्रों में भेदभाव कर दिया। एक पुत्र के लिए राज मांग लिया और एक को वन में भेज दिया। लेकिन यह रघुकुल है और कहते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अंतिम बंद गीत का मास्टर जी। रघुकुल की रानी वचन ना टलेगा, रघुकुल की रीत रानी वचन ना टलेगा, रघुकुल की